दोस्तों एक चौका मारने के बाद जैसे ही क्लीन बोल्ड हुए विराट उनका चेहरा देखने लायक था, वो बेहद ही दुखी और इमोशनल नजर आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जब किंग कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए तो पूरा का पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। विराट के चाहने वालों को यही उम्मीद थी कि इस मुकाबले में किंग कोहली कोई बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने 200 से भी ज्यादा का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने शानदार इंटेंट भी दिखाया। उन्होंने बेहतरीन चौका लगाते हुए ये बताया कि वो बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चेन्नई के तेज गेंदबाज आकाश ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आकाश की गेंद सीधे विराट कोहली के विकेट पर जा लगी और विराट कोहली को सीधे वापस पवेलियन जाना पड़ गया। आउट होने के बाद किंग कोहली बेहद ही दुखी और इमोशनल नजर आ रहे थे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आए अपने सभी प्रशंसकों को अपनी एक बड़ी पारी नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से बन पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।